केएल राहुल था, मयंक अग्रवाल था, काफी अच्छा लग रहा था, हम था नेट में बोल डालना, निकोलस पूरन था अच्छा। तो उसको बोल डालते हुए ऐसा लगता कहीं सामने ना मार दे। पंजाब के लिए नेट बॉलर गया, फिर अगले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिर से नेट बॉलर के लिए कॉल आया था। वहाँ जाके लगता नहीं है, बस जब आपको कॉल आता है तब लगता है कि नेट बॉलर हो आप। जैसे ही आप टीम में ऐड हो जाते हो तो वहाँ ऐसा लगता है कि आप ही टीम के मेन प्लेयर हो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, 1% फील नहीं होता कि आप नेट बॉलर हो। टीम्स क्या इन्वेस्ट करती हैं एक प्लेयर के ऊपर कि इसको जो है वो हमें तैयार करना है पहले एज ए नेट बॉलर, फिर मेन टीम में लेके आना। हाँ हाँ, उनका क्या नाम है, मेन प्लान तो यही रहता है कि बैकअप बॉलर भी जो हों वो भी अच्छे हों, उनको भी धीरे धीरे अगर इफ के इन केस हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हमारे बैकअप प्लेयर भी ऐसे होने चाहिए जो जिनको हम जल्दी से रिटेन कर सकते हैं। रिकी सर के साथ मिला, रिकी पॉन्टिंग, हाँ जी, और ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वो बहुत सारे प्लेयर थे तो काफी अच्छा। पंजाब में भी, हाँ पंजाब में भी था, पंजाब में भी काफी अच्छा रहा। इस समय जो है वो क्रिकेट सीज़न चल रहा है, जहां एक तरफ आईपीएल चल रहा है वहां रियासी में ही लिथियम प्रीमियर लीग चल रही है, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहित जांगड़ा जी। आप सभी जानते हैं 2 साल पहले भी रियासी आए थे, और इस समय जो है वो इन्होंने जो है आपको बता दूं इंडिया की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट भी खेला है और दिल्ली कैपिटल्स में काफ़ी समय बिताया है, एज नेट बॉलर भी वहाँ रहे हैं। मोहित बहुत बहुत स्वागत है फिर से रियासी में। थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूँगा लखीमपुर खीरी से आप आते हो, जैसे आपने पिछली बार बताया था, उसके बाद का सफ़र अभी तक का, जैसे अंडर 19 इंडिया खेला तो अब तक के सफ़र के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ जा रहे हो जी? नहीं, बस अंडर 19 के बाद तो रणजी ट्रॉफी खेला, फिर रणजी ट्रॉफी के बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि पंजाब के लिए नेट बॉलर गया, फिर अगले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिर से नेट बॉलर के लिए कॉल आया था। बस वही लगे हुए हैं, धीरे 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 टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा रहता है नेट एज ए नेट बॉलर, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और कितना एक्सपीरियंस हुआ है एज नेट बॉलर आप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ शेयर करते हैं जी? नहीं, वहाँ जाके लगता नहीं है, बस जब आपको कॉल आता है तब लगता है कि नेट बॉलर हो आप। जैसे ही आप टीम में ऐड हो जाते हो तो वहाँ ऐसा लगता है कि आप ही टीम के मेन प्लेयर हो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, 1% फील नहीं होता कि आप नेट बॉलर हो। तो कैसे देखते हैं आप किस तरीके से चांस मिलेगा कि टीम में आया जाए? टीम्स क्या इन्वेस्ट करती हैं एक प्लेयर के ऊपर कि इसको जो है वो हमें तैयार करना है पहले एज ए नेट बॉलर, फिर मेन टीम में लेके आना? हाँ हाँ, उनका क्या नाम है, मेन प्लान तो यही रहता है कि बैकअप बॉलर भी जो हों वो भी अच्छे हों, उनको भी धीरे धीरे अगर इफ के इन केस हमारा कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हमारे बैकअप प्लेयर भी ऐसे होने चाहिए जो जिनको हम जल्दी से रिटेन कर सकते हैं। तो किन बड़े प्लेयर्स के साथ आपको जो है वो मौका मिला अब तक जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का? नहीं, रिकी सर के साथ मिला, रिकी पॉन्टिंग, हाँ जी, और ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वो बहुत सारे प्लेयर थे तो काफी अच्छा। पंजाब में भी, हाँ पंजाब में भी था, पंजाब में भी काफी अच्छा रहा। जिस टाइम आप थे पंजाब में एज नेट बॉलर, तो उस टाइम पे कौन कौन से बड़े क्रिकेटर्स जो थे पंजाब में खेल रहे थे? पंजाब में उस टाइम तो केएल राहुल था, मयंक अग्रवाल था, काफी अच्छा लग रहा था, मतलब एक चैलेंजिंग होता था नेट में बोल डालना, निकोलस पूरन था अच्छा। तो उसको बोल डालते हुए ऐसा लगता कहीं सामने ना मार दे अच्छा, अच्छा। हाँ, तो काफी, हाँ एक एक बॉल सोच के डालना पड़ता था, तो उसी से यही है कि हैबिट हो गई है कि अब एक एक बॉल सोच के डालो, प्लान करके डालो। अभी क्या उम्मीद है मोहित, कब तक जो है वो आपको देखेंगे कि आईपीएल में खेलेंगे आप? ये बस अभी रिकवरी मोड चल रहा है, अभी लास्ट ईयर सर्जरी हुई थी तो उसके बाद अब बस जल्दी